जय हिंद दोस्तों, आज हम मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत तुगलक डायनेस्टी को देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें जितना जल्दी हो सकता है इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद से ये हमारा लास्ट दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोधी डायनेस्टी बचेगा, उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं तुगलक वंश। देखिए, तुगलक वंश जो है वो 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक का इसका समय काल रहता है। ठीक है, हम लोग पिछले जो वीडियो है उसमें देखे थे जो खिलजी वंश का अंतिम जो शासक होता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह, इसकी हत्या कर देता है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये गयासुद्दीन तुगलक हत्या करके फिर तुगलक वंश की स्थापना करता है यहाँ पे। तो अब इसका जो यहाँ से शुरुआत होगा 1320 ईस्वी से तुगलक वंश की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, तुगलक वंश जो है यहाँ पे उसका मैप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो मैप है मतलब एक तरीके से मान के चलिए कंप्लीट इंडिया, बस यहाँ ये कुछ क्षेत्र को छोड़ करके बाकी जो व्हाइट वाला जो क्षेत्र है अपना, ठीक है, ये अभी मान के चलते हैं थोड़ा बहुत उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़, थोड़ा बहुत एमपी है ना, झारखंड वगैरह जो भी एरिया अभी वर्तमान का, साथ में ये साउथ का थोड़ा सा ये छोटा सा एरिया लगभग थोड़ा बहुत छोड़ करके बाकी सब तुगलक वंश यहाँ पे इनका शासन था यहाँ पे। ठीक है, तो आगे देखते हैं तुगलक वंश के बारे में। देखिए, तुगलक वंश का अब हम लोगों को यहाँ से इसके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है। ठीक है, तो तुगलक वंश का यहाँ पे संस्थापक कौन रहेगा, याद रखेंगे गयासुद्दीन तुगलक शाह। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जो है उसको गाजी मलिक, ठीक है, गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। बीच बीच में देखेंगे इसमें प्रश्न भी आएगा। ठीक है, तो उस प्रश्न को भी मैं अभी बीच बीच में आपको डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे लगातार। आप बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, तुरंत हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ते हुए अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है जो गयासुद्दीन तुगलक है उसका एक और नाम रहेगा गाजी मलिक। ठीक है, तो गाजी मलिक को भी याद रखना है, ये तुगलक वंश का संस्थापक है। मान के चलिए कभी किसी एग्जाम में, अभी एक एग्जाम में तो ये ऐसा पूछा गया है कि तुगलक वंश का जो संस्थापक है कौन है, तो उसमें ऑप्शन दिया गयासुद्दीन तुगलक। मान के चलिए वहां पे गयासुद्दीन तुगलक ना देकर के गाजी मलिक देता है तो वहां आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए आपको याद रखना है जो गयासुद्दीन तुगलक है उसी का नाम गाजी मलिक भी है। ठीक है, तो ये तुगलक वंश का संस्थापक है और ये क्या है, कराना तुर्क है। ठीक है, कराना तुर्क है यानी तुर्की का ही एक, इनका भी अलग अलग एक वंश है, तो ये कराना तुर्क वंश से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का जो पिता है वो भी कराना तुर्क था, तो इस तरीके से इसको कराना तुर्क मानते हैं। देखिए आगे, इसमें इसका कुछ कुछ कार्य है जो गयासुद्दीन तुगलक है उसके जो कार्य हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हो सकता है इधर से कई प्रश्न पूछ दे, है ना। तो ये इसका जो कार्य होता है नहरों का निर्माण ये अपने शासन काल में करवाता है, डाक व्यवस्था को ये बेहतर करता है। ठीक है, लगान का जो उपज होता है ना, मतलब लगान जो लगाता है उसमें ये उपज का 1/10वां हिस्सा या फिर 1/12वां हिस्सा लगान के रूप में ये वसूलता है, और अमीरों की जो भूमि है वो वापस कर देता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखे थे खिलजी वंश में, उसमें वो लोग क्या करते हैं, अमीरों की जो भूमि है उसको ये लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लौटा देता है और सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का भी निर्माण करवाता है। तो ये सब कुछ इनका, ये जो गयासुद्दीन तुगलक है उसका यहाँ पे हम लोग कार्य देख रहे हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में, सैन्य अभियान देखते हैं। एक तो तेलंगाना अभियान है, देखिए जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं हाईलाइट करूंगा, अच्छे से उसको आपको बता दूंगा कि हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। उसके अलावा कुछ कुछ चीजें हम लोग को जोड़ करके पढ़ना जरूरी रहता है ताकि हम लोग उसको थोड़ा सा एक कहानी के रूप में थोड़ा याद रख सके। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक का सैन्य अभियान भी होता है यहाँ पे जूना खां। ठीक है, ये जूना खां के नेतृत्व में, याद रखेंगे जूना खां जो है वो हम लोग
मतलब ये इसका बहुत मुख्य भूमिका है तुगलक वंश में, ठीक है। जो जूना खान है इसी का दूसरा नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, जूना खान ये इसका पुत्र है गैसुद्दीन तुगलक का। तो इसके नेतृत्व में ये तेलंगाना पर विजय प्राप्त करता है, ठीक है। और उसके बाद से तिरहुती विजय, ये भी एक इसका विजय अभियान है जिसमें कि मंगोलों पर ये लोग विजय प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो जूना खान है यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक का ये प्रश्न में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जूना खान और मोहम्मद बिन तुगलक ये दोनों नाम याद रखेंगे, ठीक है। दोनों एक ही आदमी का नाम है जूना खान, और उसी को मोहम्मद बिन तुगलक भी उसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जूना खान के नेतृत्व में जो है गैसुद्दीन तुगलक मंगोलों पर भी विजय प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पे उसके बाद गैसुद्दीन तुगलक यहाँ पे खुद के नेतृत्व में एक बंगाल अभियान करता है। बंगाल अभियान में जब बंगाल से वापस आ रहा था उस समय, यहाँ पे एक कहानी सुने होंगे कि दिल्ली अभी दूर है, तो क्या होता है कि गैसुद्दीन तुगलक जो है वो बंगाल अभियान के लिए गया होता है, और जब वापस आता है तो अब उस समय कुछ जो भी हुआ होगा विवाद, तो यहाँ पे दिल्ली में एक सूफी संत है, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। बहुत ज्यादा मतलब दिल्ली के वहाँ पे फेमस है निजामुद्दीन औलिया, तो उनके लिए अभी मजार शरीफ जो वहाँ पे है, तो उनके लिए जो है ना ये गैसुद्दीन तुगलक उनको कहता है, इस तरीके से इतिहासकारों का एक कहानी के रूप में बताया जाता है कि जो निजामुद्दीन औलिया को ये संदेश भेजता है, ठीक है, कि आप दिल्ली छोड़ दो। गैसुद्दीन तुगलक जो है निजामुद्दीन को एक संदेश भेजता है कि आप दिल्ली छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे फिर निजामुद्दीन औलिया उसको रिप्लाई देते हैं, यानी कि वो भी अपना मैसेज भेजते हैं कि ये देखिए यहाँ पे हुनूस दिल्ली दूरस्थ, ठीक है। यानी कि उसी को जो अभी जो कहावत प्रचलित है ना कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, तो इस तरीके से निजामुद्दीन औलिया गैसुद्दीन तुगलक को कहते हैं, ठीक है। फिर आगे चल करके जब आते समय ये जो गैसुद्दीन तुगलक है वापस आते समय, ये तुगलकाबाद से लगभग 8 किलोमीटर के दूर पर अफगानपुर है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखें। यहाँ से प्रश्न आता है तुगलकाबाद और अफगानपुर दोनों याद रखें, कई बार प्रश्न में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना अफगानपुर का जो महल है वो लकड़ी का महल था, वहाँ पे वो थोड़ा सा आराम करने के लिए रुकता है, और जैसे ही वहाँ पे एंटर करता है मतलब वहाँ अंदर जाता है, उसके बाद से वो जो महल है वो गिर जाता है, ठीक है, और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाता है। तो इसलिए यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया का वो जो एक कहावत है कि दिल्ली अभी दूर है, यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से उसको इसलिए एक तरीके से फेमस है, ठीक है। तो ये कहानी याद रखेंगे। तो ये जो है गैसुद्दीन तुगलक है, ठीक है, गैसुद्दीन तुगलक जो है इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई, तो तुगलकाबाद या फिर अफगानपुर के महल में, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न आता है, मैं प्रश्न आपको बताऊंगा अभी। गैसुद्दीन तुगलक का यहाँ पे मकबरा भी बनाया गया तुगलकाबाद में, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न जैसे ये है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या फिर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई, ठीक है। तो यूपीएससी सीएस 2017 में आया, ठीक है, यूपीएससी का यह प्रश्न था। देखिए ऑप्शन ए है यहाँ पे, आपको नहीं लगे ऑप्शन क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है, अच्छे से। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आपको ये समझना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और कौन सा टॉपिक से प्रश्न किस तरीके से बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रश्न बन रहा है इस टॉपिक से। आगे देखेंगे यहाँ पे एक और प्रश्न है, मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई, ठीक है, तो याद रहेगा। देखिए यहाँ पे दौलताबाद ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे अफगानपुर दिया हुआ है या दौलताबाद तुगलकाबाद दिया हुआ है, ठीक है, तुगलकाबाद दिया हुआ है, दौलताबाद दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, तुगलकाबाद है, तुगलकाबाद है यहाँ पे,
यहाँ भी तुगलकाबाद है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं, उसको ध्यान रखेंगे। तो अफगानपुर भी ये हो सकता है कि अफगानपुर आ जाए, ठीक है, या फिर तुगलकाबाद आए, तो कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब इसके बाद से गैसुद्दीन तुगलक का तो यहाँ से कहानी खत्म हो गया, अब मोहम्मद बिन तुगलक आएगा जिसको हम लोग जूना खां के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ये जो है, जूना खां भी यही है, इसका जो शासनकाल है 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। ये दिल्ली में अब यहाँ पे इसका शासन होता है। देखिए ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली के सुल्तानों में काफी सर्वाधिक विद्वान रहता है, ठीक है, काफी समझदार रहता है, लेकिन थोड़ा सा अड़ियल टाइप से भी रहता है, देखेंगे इसका कहानी आगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण भी ये मतलब एक स्वप्नशील पागल, रक्त पिपासु, इस टाइप से इसको कहा जाता था, क्योंकि ये योजना है मतलब बिना सोचे समझे बना देता है कुछ भी, जैसा आपको सामने स्थिति दिख रहा है बना दिया योजना। तो इसलिए इसका जो है ना, कभी हो सकता है इस तरीके से प्रश्न आ जाए कि पागल या रक्त पिपासु किस दिल्ली सल्तनत के शासक को या किस तुगलक शासक को कहते थे, क्या किस तुगलक वंश के शासक को कहते थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक। देखते हैं इसको कि इस तरीके से क्यों कहा जाता था। देखिए यहाँ पे अब एक जो ये प्रश्न है, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जूना खान था, ठीक है, ये देखिए CDS 2010 में पूछा गया प्रश्न है, तो इस तरीके से प्रश्न यहाँ से बनता है, इसलिए मैं आपको बताया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है जूना खान, इसका नाम याद रखना है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक और इसी का नाम है जूना खान। देखिए आगे देखते हैं, अब इसकी योजनाएं देखते हैं कि ये किस तरीके से योजनाएं बनाया था, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग को ध्यान रखना है ना। देखिए दुआब में कर वृद्धि, तो ये एक किसका पहला योजना है, इस तरीके से 6 योजनाएं बनाते हैं, सब असफल रहते हैं, ठीक है, किसी ना किसी में प्रॉब्लम, किसी भी तरीके से विवाद हो जाता है और उसको फिर निरस्त करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये दुआब में कर वृद्धि की योजना बनाता है, क्योंकि ये चाहता है कि थोड़ा सा इसकी जो राजकीय आय है उसमें वृद्धि हो, ठीक है, उसमें वृद्धि करना चाह रहा था, तो इसलिए क्या किया, दोआब मतलब कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, काफी उपजाऊ रहता है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में जो भी कृषि करेगा, फसल उगाएगा, उसमें वो उसको टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, तो वो उसके लिए योजना लेकर के आता है। लेकिन अचानक से क्या होता है कि वहां उस क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है और वो उसी समय ये इम्प्लीमेंट कर देता है, ठीक है, मतलब योजना किस जगह पे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो यहाँ पे बिना सोचे समझे क्या है, इम्प्लीमेंट कर देता है, यानी कि अकाल चल रहा है और ये इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो उसके कारण से क्या होता है, वहाँ के जो किसान है ना वो आंदोलन कर देते हैं, ठीक है, उनको तो बल्कि उस वो जो हानि हुआ है उनका जो हानि हुआ है उससे उनको राहत चाहिए, यहाँ पे ये टैक्स लेने लग गए हैं, तो इसलिए माना जाता है कि किसान यहाँ पे पहला विद्रोह करते हैं, ठीक है, किसानों का यहाँ पहला विद्रोह माना जाता है। तो ये जो है अब मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर क्या है, विद्रोह कर दिए, तो इसके लिए, इससे बचने के लिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक किसानों के लिए, ठीक है, दीवाने अमीर कोही ये इस नाम से एक विभाग बनाता है जो कि किसानों को राहत के लिए काम करेगा, किसानों के लिए काम करेगा। तो ये जो प्रश्न यहाँ से एक ये प्रश्न बनता है, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दीवाने अमीर कोही, ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि तुगलक वंश के द्वारा या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये बनाया गया विभाग है जो कि कृषि से संबंधित है, ठीक है, या किसानों से संबंधित है। देखिए प्रश्न भी आया है यहाँ से, अमीर कोही या कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था, ये SSC 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो उसमें क्या जो जो टॉपिक है उससे किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या उसको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं इसको, देखिए अब एक और यहाँ पे योजना लेकर गया था, राजधानी में परिवर्तन की योजना, ठीक है,
यहाँ पे दिल्ली जो है, दिल्ली अपना राजधानी तो है ही, ये लोग का शुरुआत तो हो ही गया दिल्ली राजधानी, लेकिन ये क्या करता है कि उसको दौलताबाद लेकर के चला जाता है राजधानी को। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसका उद्देश्य रहता है, ये सोचता है कि यहाँ पे मंगोलों का आक्रमण ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे, दिल्ली पे, ठीक है, तो इसलिए उसको दौलताबाद लेकर के चला जाएगा। तो क्या है कि थोड़ा सा मंगोलों का आक्रमण जो है उससे ही बच जाएगा, प्लस दक्षिणी क्षेत्र में इस्लाम का भी प्रसार हो जाएगा। तो ये सोच करके वो अपना योजना बनाता है, लेकिन लास्ट में ये भी योजना असफल हो जाता है। दिल्ली के लोग वहां पे विद्रोह करना शुरू कर देते हैं, फिर उसको अपना जो राजधानी है उसको वहीं पे रखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये भी योजना उसका असफल रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी और योजनाएं हैं। देखिए, सांकेतिक मुद्रा भी लेकर के आता है ना, सांकेतिक मुद्रा का भी योजना बनाता है कि अलग से सांकेतिक मुद्रा बनाए और वो भी बाजार में, मार्केट में चले। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राई करता है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि इसका जो तांबे और कांसे का जो सिक्का बनता है, बना करके मार्केट में चलाता है, उसका क्या है कि ये लोग, और जैसे अभी भी सिक्के लोगों का और कॉपी निकल जाता है ना, उस तरीके से यहाँ भी और भी उसका नकली सिक्का भी बना करके मार्केट में बहुत ज्यादा चलाने लग गए थे। ठीक है, उस समय तो उसके कारण से ये जो है, जो मुद्रा अभी, ये जो सिक्का लाया है तांबे और कांसे का सिक्का, लास्ट में फिर इस सांकेतिक मुद्रा को भी उसको बंद करवाना पड़ा, उसको चेंज कराना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये भी योजना जो है इसका असफल रहा। तो अगर इस तरीके से प्रश्न आता है कि तुगलक वंश के किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा को एक तरीके से असफल इम्प्लीमेंट किया था, या तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए थे, तो इस तरीके से किसी भी तरीके से अगर प्रश्न बनेगा ना, तो ध्यान रहना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, कहानी है, हिस्ट्री है, तो हम लोगों को इसमें कहानी ही समझना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। सांकेतिक मुद्रा का योजना लाता है, वो भी असफल रहता है। आगे देखते हैं इसमें। देखिए, खुरासान अभियान योजना, ठीक है, जो खुरासान है ना, ये ईरान का नाम है। कई प्रश्न में इस तरीके से भी प्रश्न आ जाता है कि खुरासान किस देश का प्राचीन नाम है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये ईरान का नाम है। ठीक है, वहां पे क्या है, मंगोलों का शासन रहता है, लेकिन वो लोग धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं, उनका पतन होते रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो मोहम्मद बिन तुगलक है, वो सोचता है कि इसका लाभ उठाया जाए। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक फिर क्या करता है कि योजना बनाता है कि उस जगह पे आक्रमण करना है। उसके लिए क्या करता है, ये बिना सोचे समझे देख रहे हैं यहाँ पे, 3,70,000 सैनिकों को ये तैयार करता है, और इतने लोग, 3,70,000, ठीक है, इतने लोग, मतलब उस समय के जो शासक थे वो लोग भी कितने अमीर होंगे, 3,70,000 सैनिकों को तैयार करता है, 1 साल का उनको वेतन भी दे देता है। ठीक है, उसके बाद से लास्ट में ये होता है कि जो खुरासान का शासक है उससे वो संधि कर लेता है, यानी कि उसके ऊपर आक्रमण करने का योजना बनाया, 1 साल तक सैनिकों का सभी वेतन वगैरह दे दिया है, मतलब उनको हर तरीके से रेडी कर दिया है, और वो लोगों को अब यहाँ से अचानक से खुरासान का जो शासक है उससे संधि कर लिया, उस पर आक्रमण करना था लेकिन उससे संधि कर लिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि सैनिक भड़क जाते हैं, वो लोग भी एक तरीके से विद्रोह की स्थिति में आ जाते हैं। अब उस विद्रोह से बचने के लिए, मतलब ये भी योजना असफल हुआ, ठीक है ना, खुरासान अभियान योजना भी असफल हो गया। अब इस विद्रोह से बचने के लिए फिर एक योजना लेके आता है, देखिए यहाँ पे, कराचिल अभियान योजना। ठीक है, कराचिल अभियान योजना लेकर के आता है, ताकि सैनिक लोगों को क्या है, इस योजना में भेज दिया जाए, विद्रोह कम हो जाएगा। ये कराचिल अभियान योजना क्या है, ये हिमालय का दुर्गम चोटी, ठीक है, यानी कि उस पे चढ़ाने का अभियान चालू करता है। इस तरीके से इतिहास में है, इब्ने बतूता जो है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या करता है यहाँ पे, इस ये अभियान के द्वारा हिमालय पे सभी सैनिकों को हिमालय जंगल के क्षेत्र में उनको भेज देता है। और इतिहासकार इस तरीके से बताते हैं, खास करके यहाँ पे ये इब्न बतूता, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इतिहास के लिए, कई बार यहाँ से प्रश्न आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में दो तीन चीजें याद रखेंगे, पहला तो है इब्न बतूता जो है वो तुगलक वंश के समय में आया था, या फिर
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और इसके बारे में याद रखेंगे कि ये मोरक्को का यात्री था, ठीक है। इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था, और इसके साथ ये भी याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो इब्न बतूता के बारे में इतनी बातें याद रखेंगे, ठीक है। इब्न बतूता बताता है कि जो कराचिल अभियान योजना था उसके अंतर्गत जो सैनिक थे, बहुत सारे सैनिक क्या है एक दूसरे में लड़ झगड़ करके वो लोग मतलब विवाद करके लड़ झगड़ के मर गए, कुछ लोग रास्ता भटक गए, कुछ लोग पहुंच नहीं पाए, इस तरीके से लास्ट में केवल 10 लोग ही बचे, ठीक है। इतने लोगों को वापस भेज दिए, तो चाहता यही था कि जो है यहाँ पे विद्रोह नहीं होना चाहिए सैनिकों के बीच में। लास्ट में केवल 10 लोग वापस आए बच करके। तो ये कराचिल अभियान था। हो सकता है यहाँ से प्रश्न आ जाए कि कराचिल अभियान योजना जो है वो किस तुगलक शासक ने लाया था। तो यहाँ पे याद रखेंगे आप मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरियर और बुक्का नामक दो भाई जो थे यहाँ पे, ये दक्षिण क्षेत्र का बात है, ठीक है। 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य जो कि विजयनगर की स्थापना की। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि तुगलक वंश के समकालीन दक्षिणी क्षेत्र में कौन था, तो याद रखेंगे विजयनगर साम्राज्य, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे समकालीन याद रखना है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे विजयनगर, ठीक है। विजयनगर जो है वो तुगलक वंश के समकालीन है या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन है, या शासनकाल में उसकी स्थापना हुई। एक चीज और इसमें याद रखना है कि 1347 ईस्वी में, ठीक है, एक और स्वतंत्र राज्य कौन था, बहमनी साम्राज्य, ठीक है। बहमनी साम्राज्य का भी यहाँ पे स्थापना हुई, ठीक है, कौन, अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। अंततः मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 में हो गई, और यहाँ पे इसके मृत्यु के बाद से मोस्ट इम्पोर्टेंट है बदायूनी, ठीक है। बदायूनी जो है वो इतिहासकार यहाँ पे कहता है कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिला, यानी कि जो बदायूनी जो है, इतिहासकार बदायूनी, ये जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहता है, जब उसका मृत्यु हो जाता है तब ये बात वो कहता है कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिला। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक का यहाँ पे एक जो सनकीपन था, इस कारण से भी थोड़ा सा ये जनता भी परेशान थे, उसके जो योजनाएं थे उससे बहुत लोग परेशान थे, तो इसलिए इतिहासकार बदायूनी जो है वो इस तरीके से बातें करता है। तो बदायूनी के बारे में प्लस ये जो कहा गया है जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिला, तो ये जो वर्ड है ना इससे प्रश्न पूछा गया है, देखिए याद रखेंगे इसलिए, ठीक है। देखिए दिल्ली के किस मुस्लिम शासक ने के निधन पर इतिहासकार बदायूनी, ठीक है, ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली, ठीक है। तो याद रखेंगे ये NTPC 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है, हो सकता है इससे और किसी तरीके से प्रश्न बन जाए, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी क्या है ना, चैनल में हम लोग जो जितना भी वीडियो आता है ना, मतलब एक तरीके से आप वीडियो देखते हैं उसको आगे, और आपको चाहिए चैनल जब भी आए वीडियो आए तो आपको तुरंत वहां पे दिख जाए, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें आपको कोई ऐसा चार्जेस नहीं लगता है, ठीक है, फ्री में है, बस उसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या है आपका तैयारी और बेहतर होता है, ठीक है। जब भी वीडियो आता है तुरंत आता है, प्लस अपने को भी मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगता है, प्लस आपका भी एक रूटीन बनते जाता है ना। चलिए देखते हैं आगे, अब इसमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक का अब यहाँ से शासनकाल चालू होता है, ये भी तुगलक वंश के अंतर्गत, 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक का, ठीक है। 45 वर्ष की उम्र में ये दिल्ली का सल्तनत मतलब गद्दी पे बैठता है ये, और ये एक तरीके से काफी एक तरीके से अच्छा शासक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये अपनी प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए ना काफी प्रसिद्ध था, अच्छा था, अच्छा मानते थे इसको, अच्छा शासक कह सकते हैं हम लोग।
ये जो है वो अपने शरीयत के हिसाब से, शरीयत मतलब कि अपना एक धार्मिक नियम के अनुसार से ही अपना जो है शासन करता है, ठीक है। बहुत सारी योजनाएं जो है जो कि जनता के लिए सही नहीं थी उसको बंद करवा देता है, बहुत सारी योजनाओं को चेंजेस भी करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि इतिहासकार इसको सल्तनत का अकबर कहते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न बना हुआ है कि इतिहास का एक सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है, ठीक है। सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता था, तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है, तो ये याद रखेंगे। प्लस इसके बारे में एक बात और है कि जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था, ठीक है। जजिया कर जो है हम लोग इसको पहले भी देखे थे कि गैर मुस्लिमों में पे ये लगाया जाता था, लेकिन इसमें कुछ कुछ इसमें कुछ कुछ अलग अलग एक क्राइटेरिया रहता था, जैसे बच्चों पर नहीं लगेगा, बूढ़ों पर नहीं लगेगा, ब्राह्मणों पर। देख लेते हैं इसको भी हम लोग, है ना। तो वो क्या है, यहाँ पे ब्राह्मणों पर भी लगा देता है, तो इसलिए भी ये इतिहास में एक तरीके से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए उससे पहले हम लोग देखते हैं प्रश्न को, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ये एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं इसी के बारे में और प्रश्न है, इतिहासकार ने किस शासक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है, याद रहेगा ये ये एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। इस तरीके से प्रश्न बन रहा है, ये बीच बीच में खोज खोज के प्रश्न डालने का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट उद्देश्य यही है कि आपका फोकस बढ़े, आप समझे कि हाँ यहाँ से जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ, और जो पढ़ रहा हूँ उसको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग जजिया के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। जजिया कर जो है यहाँ पे सबसे पहले जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। सबसे पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही मतलब एक तरीके से भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम, याद रखेंगे। जजिया कर यहाँ से प्रश्न बनता है, ये क्या है, गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है बच्चे और बूढ़े, औरत, ठीक है, विकलांग, ब्राह्मण, ये सब नहीं आते, यानी कि इन लोगों से कोई भी इस तरीके का जजिया कर नहीं लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे कि जो फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है, ये क्या करता है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर टैक्स लगा देता है, यानी कि पांच लोगों में है, इसमें पांच लोग हैं, इसमें से ये ब्राह्मणों पर टैक्स लगा देता है, ठीक है, बाकी लोगों को छोड़ देता है, लेकिन ब्राह्मणों पे ये जजिया कर इम्प्लीमेंट करता है। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद से जजिया कर के अंतर्गत ही देखते हैं कि अकबर जो है वो भी ये 1564 ईस्वी में जजिया कर जो है वो समाप्त कर देता है, लेकिन फिर से औरंगजेब जो है वो 1679 उन्यासी, ठीक है, 1679 में फिर से जजिया कर को ये लेकर के आता है, लेकिन लास्ट में जो है जजिया कर जो है पूरा अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो समाप्त कर देता है इसको। तो ये जजिया कर के बारे में जब भी कोई प्रश्न बनता है तो ये इतना चीज आप याद रखेंगे तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं अब इसको, देखिए जो ये फिरोज शाह तुगलक जो है ये अपने शासन काल में टैक्सेस वगैरह को किस तरीके से मैनेज करता है। देखिए किसानों के जो ऋण है उनको माफ कर देता है, इसके बारे में तुगलक वंश के अंतर्गत हो सकता है इस तरीके से प्रश्न बने नॉर्मल टाइप से कि तुगलक वंश के अंतर्गत किस शासक को प्रशासनिक दृष्टि से या फिर जनता के प्रति एक उदार व्यक्ति, उदार शासक माना गया है, तो फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे रहेगा, ठीक है। देखिए किसानों का ऋण भी यहाँ पे माफ कर देता है, प्लस टैक्स वगैरह में भी चेंजेस करता है, ठीक है। टैक्स में देखेंगे यहाँ पे केवल चार कर, यहाँ पे चार टैक्स केवल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है, बाकी सबको हटा देता है। देखिए एक होता है खराज, खराज ये लगान नॉर्मल जो चलता है वो, उसके बाद से यहाँ पे खुम्स या फिर खम्स इसको कहते हैं, ये युद्ध में या लूटपाट वगैरह ये सब में जो टैक्सेस लगता है, बाकी इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे उसमें भी लूटपाट वाला जो भी उसमें जो भी टैक्स लगता था उसको खम्स या खुम्स कहते थे, ठीक है। उसके बाद से जजिया कर था, जजिया कर हम लोग देख लिए हैं, ठीक है।
गैर मुस्लिमों पर, उसी प्रकार से यहाँ पे जकात, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो जजिया है और जकात है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा। जजिया जो है वो गैर मुस्लिमों पे, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है उनके ऊपर लगता है, और जो जकात है वो मुस्लिमों पे लगता है, ठीक है। बस फर्क इन लोगों में इतना है कि ये जो है ना, ये जो जकात है ना, वो मुस्लिम जो लोग थे, मुस्लिम मुस्लिम के जो रईस लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनसे वो एक तरीके से टैक्स के रूप में या फिर सहायता के रूप में लेते हैं। और जो लोग भी ऐसे जो अपाहिज हैं, जो कि असहाय हैं, ठीक है, उनके पास कोई ऐसा मतलब उनको कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए, तो जो जकात का जो पैसा होता था, टैक्स या फिर कर, उसको इस तरीके से अगर कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं समझने के लिए, तो उन अमीरों का पैसा लेकर के बाकी लोगों का हेल्प, जिनको भी हेल्प की जरूरत है उनको हेल्प किया जाता था। तो इस तरीके से ये चार टैक्सेस इम्प्लीमेंट करता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, इतना समझ गया। ये जो वर्ड है ना, खराज, खुम्स, जजिया और जकात, तो ये है, इसको याद रखेंगे चारों को, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इससे प्रश्न बने आगे चल कर। देखिए आगे इसमें है कि ये शिफा खाना की व्यवस्था करता है। शिफा खाना यानी कि निःशुल्क चिकित्सालय, ठीक है, ये भी एक अच्छा इसका कार्य है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रखा हुआ हूँ। ये जो है मतलब निःशुल्क चिकित्सा का व्यवस्था करता है ना। और दारुल शफा, ये एक अस्पताल है, ठीक है, तो हो सकता है दारुल शफा इस तरीके से इस वर्ड से प्रश्न बने, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक अस्पताल है, ठीक है। ये और शिफा खाना यानी कि ये भी मतलब शिफा खाना भी निःशुल्क चिकित्सालय को ही कहा जा रहा है, और दारुल शफा भी, ठीक है ना, तो इस वर्ड को याद रखेंगे, कई बार इस तरीके से प्रश्न बन जाता है। अब यहाँ पे जो है इसका फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी समझ गए, बस अब लास्ट है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फिरोज शाह तुगलक के बाद से उसके दो पुत्र रहते हैं, एक फतेह खां और मोहम्मद खां, ठीक है। इसमें से जो फतेह खां जो है वो फतेह खां जो है उसका मृत्यु फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल में ही हो जाता है, और मोहम्मद खां जो है वो फिरोज शाह के जो दास लोग होते हैं ना, उसको राजधानी से भगा देते हैं। यानी कि दोनों बेटे का कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो फतेह खां है, ये जिसकी मृत्यु हो गई थी समय पे, उससे पहले ही फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, लेकिन उसका जो फतेह खां का जो पुत्र है, ठीक है, तुगलक शाह द्वितीय, इसका जो है इसको एक तरीके से उत्तराधिकारी बना देते हैं, और 1388 से लेकर के 89 तक इसका भी शासनकाल चलता है। उसके बाद से 1389 में इसका मृत्यु के बाद से इसका छोटा भाई अबू बक्र दिल्ली का ये सुल्तान बनता है, और इस तरीके से लगातार छोटे मोटे यहाँ पे मतलब ये तुगलक वंश के अंतर्गत और भी शासक आते हैं, जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मतलब उस टाइप से इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तक उस वैसा कुछ प्रश्न नहीं पूछा गया है। लास्ट में एक प्रश्न बनता है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको यहाँ पे याद रखना नासिरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, ये बस नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना है, बस इतना ही है। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक के बारे में याद रखेंगे आप। देखिए यहाँ पे प्रश्न भी बना है, देख लेते हैं प्रश्न को। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था, ये ग्रुप डी का ये प्रश्न 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके से आप तुगलक वंश के बारे में आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि तुगलक वंश केवल एक टॉपिक पे आप फोकस करके पढ़ेंगे तो आपको इतना समझ में आ गया है कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और उसमें किस टॉपिक को सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से याद रखना है, ठीक है ना। देखिए उसके बाद से यहाँ पे दिसंबर 1398 में, ठीक है, तैमूर का दिल्ली पर यहाँ पे आक्रमण होता है, और यहाँ का जो सुल्तान है वो एक तरीके से जब आक्रमण करता है ना तैमूर, हम लोग आगे अब पढ़ेंगे धीरे से, लास्ट है, वो क्या करता है, यहाँ का जो सुल्तान है गुजरात भाग जाता है, और फिर गुजरात तो भाग गया, उसके बाद से फिर वो उसका वजीर जो है मल्लू खां, वो सुल्तान को फिर से दिल्ली वापस बुला करके ले करके आता है और उसको गद्दी पे बैठाता है। लास्ट में 1414 ईस्वी में यहाँ पे महमूद शाह की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, और जिसके बाद से तुगलक वंश का अंत हो जाता है। यानी कि जो महमूद शाह जो है ना, वो लास्ट तक, यहाँ पे एक प्रश्न और याद रखेंगे, ठीक है,
जो तैमूर है यहाँ पे, ये तैमूर का दिल्ली पर जो आक्रमण हुआ किसके शासनकाल में हुआ? तो याद रखेंगे महमूद शाह के, ठीक है, महमूद शाह के शासनकाल में ये हुआ है। ये यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है, देखिए यहाँ पे, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? यूपीपी से 2015 में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद से हम लोग अब लास्ट जो है अगले वीडियो में लोदी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक कमेंट करके बताइए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।